रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम चैप्टर कर रहे हैं आर ड्रीम कम ट्रू, और उसमें आज हम वोकैबलरी करेंगे कॉम्प्रीहेंशन में। एक्सपेंड के वोकैबलरी, आई नो फाइंड एंड यूज इंटरेस्टिंग वर्ड्स। तो सबसे पहले है पैराशूट। पैराशूट इज द कैनपी विच फिल्स विद एयर एंड अलाउज अ पर्सन और हैवी ऑब्जेक्ट अटैच टू इट टू descend slowly when dropped from an aircraft or which is released from the rear of an aircraft on landing to act as a brake। यानी पैराशूट से जब आप नीचे आते हैं तो आपको चोट नहीं लगती, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता है। The parachute floated gently down to earth। Stunts जो हैं वो करतबबाजी को कहते हैं। जैसे आप ये मुख्तलिफ तस्वीरें देख रहे हैं, एन एक्साइटिंग एक्शन यूजली इन अ फिल्म दैट इज डेंजरस और अपीयर्स डेंजरस एंड यूजली नीड्स टू बी डन बाय समवन स्किल्ड। ये बड़े माहिर लोग करते हैं, ये देखने में खतरनाक लगते हैं, इन्हें आपको खुद ऐसे करतब नहीं करने चाहिए, जान भी ले सकते हैं। हर लेटेस्ट स्टंट इज राइडिंग अ मोटरसाइकिल थ्रू अ रिंग ऑफ फ्लेम्स, ये शोलों के बीच में से साइकिल गुजारना। इसके जैसे वर्ड है ट्रिक, अचीवमेंट, परफॉर्मेंस और एक्ट भी स्टंट के मानों में इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है पैशन, स्ट्रॉन्ग एंड बेयरली कंट्रोलेबल इमोशन, जज्बा, शौक, जनून। रीडिंग इज माई पैशन, अल्लाह से दुआ है कि हमें रीडिंग का जज्बा दे दे। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज अ पैशन फॉर रीडिंग, तो जो बहुत बड़ा तोहफा है वो पैशन फॉर रीडिंग है। तो स्टेजेस होती हैं एक रीडर की जिंदगी में, किताबें पहले तलाश करना, फिर किताब से मोहब्बत करना, किताब की पहचान करना, फिर किताब दोस्ती हो जाती है, फिर बंदा किताब लिखता है, फिर दोबारा किताब को रीडिस्कवर करता है, किताबें जमा करता है और फिर उसको अगली नस्ल को किताब बीनी का शौक देता है। तो प्यारे बच्चों, हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड इज कुरान पाक, अल्लाह की किताब है और ये अल्लाह का वादा है कि तुम मेरी किताब को पढ़ो, तुम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी। खाली पढ़ना नहीं है अरबी में, इसको समझ कर पढ़ना है। इस अल्लाह ने जो निशानियां हमारे सामने रखी हैं उन पे ऊपर गौर व फिक्र करना है, अपनी ज़िंदगी भी हमारी बदलेगी, इस दुनिया की भी और आखिरत की भी, जो कि हमारा सच का रास्ता ये किताब दिखाती है, इस पर चलने वाला हमेशा कामयाब होता है। तो अदर वर्ड्स फॉर पैशन आर अपोजिट वर्ड्स आर लव, ज़ील, रेज, डिज़ायर, एंथुसियाज़म, यानी पैशन से मिलते जुलते मानी ही हैं इन अल्फाज के। और जो अपोजिट हैं वो है एपैथी, इंडिफरेंस, हेट, कामनेस, कूलनेस, हेट्रेड। फिर साइट, साइट को कहते हैं देखना, और साइटेड देखा पास्ट टेंस में चला जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कि ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, मेरी आंखें कितनी खूबसूरत चीज़ें देखती हैं। तो प्यारे बच्चों, एक साइट होती है व्हाट सी यू सी विद योर आईज, और एक विजन होती है, विजन इज व्हाट यू सी विद योर माइंड, जो हम अपने फ्यूचर की विजन बनाते हैं कि हम आज से 10 साल बाद कहाँ पे खड़े होंगे, हमारा करेक्टर कैसा होगा, हम किस प्रोफेशन में होंगे, तो इसको विजन कहते हैं। तो अपनी विजन बनाएं, अपनी आदतों पर काम करें, अच्छी आदतें अपनाएं ताकि कल को जब आप एक बिजनेसमैन या प्रोफेशनल बने तो आपकी अच्छी आदत हो। फिर बर्नर, बर्नर चूल्हे को कहते हैं, और बर्नर के अलावा हम दूसरे अल्फाज भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हीटर, कुकर, वार्मर, गैस बर्नर, हीट यूनिट, हीटिंग एलिमेंट। तो ही पुट द फ्राइंग पैन ऑन द गैस बर्नर, हम फ्राइंग पैन में चीज़ें बनाते हैं और गैस बर्नर के ऊपर उसे को रखते हैं। फिर है जग, जग कहते हैं झटका लगाना, कोई काम झटके से करना, जैसे एक जग लगा के कागज फाड़ना। कार स्टार्टेड विद अ जग, की जगह ठंडी कार हो तो वो झटका लगा के स्टार्ट होती है। जग के जो जैसे ही वर्ड्स हैं ट्विच, पुल, टग, फ्लिक, जॉल्ट, स्नैच, और ये सारे वर्ड जो हैं इनके मतलब जग से मिलते जुलते हैं। फिर अपोजिट टू जग है छोड़ देना, पुश, रिलीज, खामोश हो जाना। प्यारे बच्चों, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन द कॉलम बी। यहाँ पे आप वीडियो रोकें, अभी हमने सारे वर्ड्स डिटेल में कर लिए हैं, अब आपने इनको मैच करना है, उसके बाद खुद से इनको मैच करके फिर इनका जवाब देखें। तो ये इनका जवाब है,
उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। आप अल्लाह की किताब को तर्जमे से पढ़ेंगे, अपनी वियन बनाएंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे।